भी जीतूराज जो बोल रहा है उसे तू ध्यान से सुन, ठीक है? ओके चवंडे। सालों पहले भारतीय सिनेमा ने एक फिल्म बनवाई थी जिसका नाम था इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू में जब जीनत अमान अपने बलात्कार के पश्चात कोर्ट रूम में खड़ी रहती है और जस्टिस मांगती है, तो जीनत अमान के कैरेक्टर को जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटर एंड स्क्रीन पे राइटर ने अंकित किया था, उसे अगर आज का जीतूराज देखेगा तो मैं अपने आप से बड़ा परेशान हो जाऊंगा और मैं इस पूरे के पूरे फिल्म के महकमे को अर्थात इंसाफ का तराजू बनवाने वालों को कोर्ट कचहरियों में खींचूंगा, क्योंकि जीनत अमान पर राज बब्बर ने किए हुए बलात्कार के बाद उस फिल्म में जीनत अमान बड़ी वल्नरेबल लगी थी। अपने साड़ी से अपने वक्षस्थलों को छुपाते हुए कोर्ट रूम में खड़ी अपने सिर को नीचे रखा था एंड उस जीनत अमान के शर्मसार इमेज की वजह से सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी लड़की पर बलात्कार होता है तो उस लड़की को बड़ा सिंपथेटिक बता दिया है। आई वुड ब्लेम ऑल मूवीज लाइक इंसाफ का तराजू बट यू स्टिल हैव टू बी वेरी इंडेटेड टू फिल्म्स लाइक इंसाफ का तराजू कि वैसी फिल्में बनी, इसलिए आज जाकर W जैसी फिल्म बनती है। I don't know why most of the English film critics have panned W. I'm going to recommend it and how, Mumbai. कल जाकर मुंबई में जब पूरी मुंबई धूल पट्टी में बिजी थी, मैं एक थिएटर में आराम से बैठकर W देखा हूं मुंबई एंड इट हैज चेंज्ड मी फॉर एवर एंड हाउ। एक स्त्री पर बलात्कार होने के पश्चात हम उसे क्या कहते हैं कि शी हैज बीन रेप्ड, और वो लड़की अपने इस बलात्कार को स्वीकार करने से पहले कई बार शर्मसार हो जाती है क्योंकि समाज उसे सिंपथी के नजरकोण से देखता है। W चेंजेस दैट फॉर एवर। इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दो, इस फिल्म को मुंबई के सभी थिएटरों में मैटिनी पर रिलीज करो एंड सारे एनजीओज जो स्त्री मुक्ति आंदोलन के लिए काम करते हैं इस फिल्म को रेकमेंड करो। रेप होता है तीन लड़कियों पर और फिर वो तीन लड़कियां अपने रेपिस के साथ क्या करती हैं एंड स्वयं के लिए क्या करती हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। W इस फिल्म में जिन तीन लड़कियों पर बलात्कार होता है वो तीन लड़कियां अपने लिए क्या करती हैं, दैट इज द मैसेज ऑफ द फिल्म एंड इट इज डबली ट्रिपली फोर टाइम्स रिकमेंडेड बाय जीतूराज। एनी गर्ल एनी वेयर हु इज ट्यून्ड इन टू मी, एनी फैमिली दैट हैज अ डॉटर, गो एंड सी दिस फिल्म। Your daughter will come out more powerful after seeing this movie. Forget the rape part of it. And I'm going to turn the tables on you, Mumbai, by doing a thing that any radio jockey anywhere in the world would have never done. Let me do this. I'm going to give you a huge gift hamper if you answer that question to me. And I want every answer to be right. Pratek jawab jo aayega, wo sahi hona chahiye. Let me see if all the women who are tuned in have the guts to answer this question. Cell phone ke message mode mein ja. And all the men, do you have the guts to answer this question? I want everybody to go out and see W now, man. I'm going to give you the report of kaun sa theater mein ye film lagi hai. Kal ke Mirchi Blog Busa Budhwar ka pratek couple pass is dedicated to W. Tell me the meaning of this word. Cell phone ke message mode mein jao. Radio type karo. Space chodo. Cell phone ke message mode mein jao. Radio type karo. Space chodo. 5888 pe. What is the meaning of the word? Clitorectomy or clitoridectomy? Clitorectomy or clitoridectomy? What is the meaning? Cell phone ke message mode mein jao, radio type karo, switch off 5888 pe. Have the guts to answer that question on Radio Mirchi 98.3 FM. Mumbai, good morning. Good morning, Mumbai. Good morning. Good morning to all the women who are tuned in. Good morning. Radio Mirchi 98.3 FM. Good morning.